प्रदेश कांग्रेस समन्वय चुनाव समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए उसे फर्जी यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद तो बड़ों से लिया जाता है, यहां तो रथ पर बैठा आदमी आशीर्वाद मांग रहा है और आशीर्वाद देने वाले बेचारे जमीन पर धक्के खा रहे हैं। कार्यक्रम में कहा जाता है कि फूल बरसाओ, क्या ये फर्जी यात्रा नहीं है? शिवराज द्वारा उन्हें देशद्रोही कहे जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज झूठे हैं। उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाए जिनका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए वह शिवराज पर दावा करके उनको अदालत में खड़ा करेंगे। खजुराहो पहुंचे दिग्विजय सिंह ने आचार्य मुनि विद्यासागर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पत्रकारों से चर्चा में उक्त बात कही। आशीर्वाद बड़े से मांगा जाता है, हैं? हम गुरुजी के पास आए, उनके चरणों में हमने धोख दिए, उनसे आशीर्वाद लिया, ठीक है ना? अब ये रथ पे बैठ के आशीर्वाद मांग रहे, जिनसे आशीर्वाद मांग रहे वे बेचारे धक्के खा रहे जमीन पर, और जो आशीर्वाद लेना चाह रहे वो छत पे बैठे हैं और प्रोग्राम में आ रहा है कि फूल बरसाओ इनके ऊपर। ये कोई आशीर्वाद यात्रा है? ये तो फर्जी यात्रा है। आपको गिरफ्तार नहीं कर पाए कल वो? मेरे को देशद्रोही कह दिया तो मैं चला गया थाने में। मैंने कहा भाई, इस देश का संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री मुझको कह रहा है कि देशद्रोही है, तो कोई प्रमाण होगा, कोई सबूत होगा। तो मैंने उनको सूचित कर दिया 4 दिन पहले कि मैं फला तारीख को मैं टीटी नगर थाने पहुंच जाऊंगा, चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को, कॉपी दी मुख्य सचिव को, उसकी प्रति दी डीजीपी साहब को। तो मैं गया थाने पर, गया थाने वालों ने टीआई साहब लिख दिया कि साहब आपके ऊपर ना हमारे पास कोई केस है, ना सबूत है, ना प्रमाण है, हमारे पास कुछ नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे, उस पर झूठा आरोप लगाया। अब मैं मुख्यमंत्री जी पर मानहानि का दावा करूंगा और अदालत में उनको खड़ा करूंगा। खजुराहो से परशुराम रेखवार की रिपोर्ट।